बताया फुटपाथ पे यही फूलदान 5 रुपए में मिला। अरे भटनागर भाई मेरी बात नहीं माने ना, फुटपाथ की खाक छन के आई गए क्यों? तुम मुझसे बात मत करो, तुम मुझे लूट रहे थे। ये फूलदान फुटपाथ पे 5 रुपए मिला, 5। अरे शांति से बात करो, शांति से बात करो, ऊंची आवाज में मत बोलो, दूसरे ग्राहक पे क्या असर पड़ेगा? मेरे सामने आओगे तो मैं ऊंचा ही बोलूंगा। अच्छा भाई ठीक है, आप नीचा बोलो, मैं जाता हूँ बस। ये भाई संभालना, लूट मचा रखी है। अगर ये ना होता तो मैं तो लूट ही गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ कल एक फूलदान 75 रुपए का मिल रहा था, आज 300 का हो गया। 300? एक ही दिन में इतनी लूट? आप नहीं समझेंगे। क्यों? आपका स्टैंडर्ड फुटपाथ का है। क्या मतलब? आपकी नाक का। कैसे? आपके घर में मेहमान बैठे हैं और सामने ये फूलदान पड़ा है। अब मेहमान ने पूछा कि ये फूलदान कितने का लिया, आप कहेंगे 5 रुपए का? नहीं, लेकिन मेहमान ये जानता है कि ये फूलदान हर फुटपाथ पे मिलता है। अब बताइए आपकी नाक कटी या नहीं? कटी। इसीलिए मैं अपना सारा सामान डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदता हूँ। लेकिन जब ये फूलदान फुटपाथ में 5 रुपए का मिलता है। अरे फुटपाथ के फूलदान में और स्टोर के फूलदान में कोई फर्क नहीं होता? क्या फर्क होता है, फूलदान फूलदान है। आपके घर में कुत्ता है? है। कौन सा? पामरेनियन। आप पामरेनियन क्यों पालते हैं, सड़क पर घूमता हुआ पिल्ला क्यों नहीं पालते? क्योंकि पामरेनियन और सड़क पर घूमते पिल्लों में फर्क होता है। बिल्कुल वैसे ही स्टोर के फूलदान में और फुटपाथ के फूलदान में भी फर्क होता है, समझे? इसीलिए तो मैं अपना सारा सामान डिपार्टमेंटल स्टोर से ही खरीदता हूँ। फूलदान फुटपाथ पे 5 रुपए का मिलता है। अरे 5 रुपए वाला फूलदान टूट जाता है। अरे टूट तो 300 वाला भी जाता है। 300 वाला नहीं टूटता। जब 5 वाला टूटेगा तो 300 वाला भी टूटेगा। नहीं टूटेगा। टूटेगा। नहीं टूटेगा। अरे मैं कहता हूँ टूटेगा। नहीं टूटेगा। ठीक है, मैं तोड़ कर दिखाता हूँ। दिखाओ पहले। लाओ अब 300 वाला दो। पहले 300 रुपए निकालो। क्या मतलब? अरे जनाब पहले इसे खरीदिए, अगर टूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये 300 रुपए लो और अब तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे टूटता है। नहीं, ये तो मैंने 300 देकर खरीदा था। इसीलिए ये टूट नहीं सकता जनाब। महंगी चीजें टूटने में दुख होता है और फुटपाथ की चीज टूटने से इतना दुख नहीं होता क्योंकि वो सस्ती होती है। इसीलिए मैं अपना सामान डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदता हूँ। भाई तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। नो, इट्स माय ड्यूटी। ये लो इसे बांध दो, पैसे तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। ये लीजिए, जरा संभाल के लेके जाइएगा। थैंक यू। अरे वाह राजा, तुम क्या सेल्समैन हो। मेरा ठीक रहता है कि मैं अपना सारा